टीम पाकिस्तान अपनों ने इनकी घर वापसी का टिकट कटवा दिया था। अब इस टीम पर नहीं यार। और देखिए कुणाल सर, मैंने उस वक्त आपसे बोला भी था कि ऐसे खेल रहे जैसे इनको एक पॉइंट टू प्रूव है कि यार ये हमें दिखाना ही दिखाना है कि हाँ हमको जो मतलब समझ रहे थे कि यार ये टीम निकम्मी है, कुछ नहीं कर सकती, ये बाहर नहीं है। लो चलो हो गया, आउट हो गए, गिर गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ओवर में पहले ही गाड़ दिया है वहां पे। और दूसरी बार अनुज वर्ल्ड चैंपियन T20 में बनने के एक कदम और नजदीक पहुंच गए, एक कदम और नजदीक पहुंच गए पाकिस्तान की टीम। एक ओवर में दो रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए। मोहम्मद आरिस का विकेट गया है, मिचेल सैंटनर ने उनका विकेट लिया है। हालांकि कुणाल सर तेज गेंदबाजी से, खैर तेज गेंदबाजी से छोड़ो, सबसे पहले आते हैं फील्डिंग पे। हमें लग कुछ और रहा था, हो कुछ और गया, उल्टा हो गया। हाँ, जो हम कह रहे थे कि आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड न्यूजीलैंड है, वो दिख गई पाकिस्तान। और मतलब न्यूजीलैंड ने जो बाकी माजरत भी छोड़े, माजरत फील्डिंग करी है, तो अब कहां से फाइनल में पहुंचे। फील्डिंग इज वेरी पुअर, वेरी पुअर, नहीं बट हम जब बीच वाली नहीं, मैं भी बात कर रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि वो आज डिफरेंट गेम प्लान के साथ आएंगे। आप देखिए वो 6 ओवर ने मैच बदल दिया पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वो आए इंटेंट के साथ, पॉजिटिव खेले, और वो जहां उनको विकेट नहीं मिला उसके बाद तो देखिए स्पिनर भी इफेक्टिव नहीं होंगे जब आपको ऊपर से विकेट नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी भी यही कि उनके ओपनर्स के रन नहीं आ रहे थे। मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा सा वीक था वो उसने बता दिया कि अगर हमारे पे आएगी कोई बात तो हम बना लेंगे रन, आप ऊपर से अच्छा स्टार्ट दे दो। बॉलिंग उनके पास थी अच्छी, तो प्रॉब्लम ही गोल पे लाकर उनके ओपनर्स की थी। और आज तो दोनों की 50 है, कमाल। और जो बात हम कर रहे थे माशाल्लाह, मतलब ये जो टारगेट था वो दोनों के लिए बिल्कुल आइडल टारगेट था कि जाओ अपना वक्त लेके खेलो, ज्यादा मतलब पैनिक नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा रन रेट से रन भी नहीं बनाने। तो उन्होंने वही किया, अपना नेचुरल गेम खेला, स्टार्टिंग में उनको रन भी मिले उस तरीके से, तो आधा काम तो पाकिस्तान ने वही कर दिया। नहीं लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी यार, आप अगर आज बॉलिंग देखो न्यूजीलैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट में, बाबर आजम मोहम्मद रेजान ने वाकई तगड़ी बैटिंग की है। जो कुणाल सर भी बोल रहे थे उस समय कि नई बॉल को अगर टारगेट करेंगे शुरू में तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में बॉल जब पुरानी होगी तो रन शायद रुकते भी रहेंगे। बट आप मुझे तो ये हम हमेशा ये बात करते हैं कि यू नो पाकिस्तान कैसा खेल रही है क्या है, बट आज जो अपनी गेम लेके आए, मेरे ख्याल से बोलते हैं ना कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप खेले के सेमीफाइनल में ना वर्स्ट नहीं खेलना चाहिए, थे आज न्यूजीलैंड अपनी वर्स्ट क्रिकेट खेली। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या बोल रही थी। मैं यही बोल रही थी कि यार अब ना मेरा इस मैच पे ध्यान है ना कल वाले पे ध्यान है, मेरा फाइनल पे सीधा चला गया है कि अगर यही पाकिस्तान इंडिया के सामने आती है, और आपको याद ही होगा कि पिछला जो उनसे सामना सामना अच्छा नहीं रहा था, लेवल। वो मेमोरीज है, एक रन चाहिए। हमने यही उसके बाद हम भी मजाक उड़ाते थे कि कितने आदमी थे, और आज उन दोनों के रन आ गए हैं, तो ये चीज मतलब मुझे तो तेज शुरुआत आज पाकिस्तान की थी, जो पहली बार आज T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की। दोनों ने बढ़िया बैटिंग तो की, लेकिन ये है कि टाइम नहीं लिया। पाकिस्तान के कुछ फैंस का ऐसा सेलिब्रेशन है कि प्लेयर्स भी उधर देखकर डगआउट में हंस रहे हैं कि हमसे ज्यादा तो ये आज मैंने वो तैयारी कर रहे हैं कि ग्राउंड में दौड़ के जाना है, और नहीं ग्राउंड में दौड़ के जाना है जाएंगे, और जैसा मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो सही भी हो गया आज, है ना, फाइनल में पहुंच। गुड विन यार, गुड विन, फाइनलिस्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022, फर्स्ट फाइनलिस्ट पाकिस्तान, जिन्होंने 7 विकेट से ये मैच जीता है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया है। यही बात होती है कुणाल सर की, आपके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बड़े मैच में जब डिलीवर करें। बाकी यार दोनों ओपनर्स रिजवान बाबर क्या कुछ नहीं सुना, रन नहीं थे, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, लेकिन आज जब अपनी टीम को बोलेगा, और हम ये बात कर भी रहे थे कि आज अगर दोनों रन बना दिए तो पिछला जो भी हुआ सब माफ नहीं, बिल्कुल आज दोनों ने वही हुआ है। और हम जो पहले भी बात कर रहे थे, आज जब पाकिस्तान ये मैच के बाद सेलिब्रेट करेगी बैठेगी जब एज अ टीम, तो बोलते हैं ना एज अ टीम आप बॉक्सेस टिक करना चाहते हैं, आज सारे बॉक्सेस टिक थे, उनके फील्डिंग के भी, बॉलिंग जो उन्होंने की है जो रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को, और फिर बैटिंग जो उन्होंने दोनों ओपनर ने की है, तो बोलते हैं ये तो ये बोलते हैं ना वो इट्स ये डेंजर के साइन भी है गोइंग इनटू द फाइनल, जब आपके जो दो मेन प्लेयर है ना उन्होंने ऊपर रन बना दिए होते। न्यूजीलैंड के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि हमने टॉस जीता, हमने पहले अपनी मर्जी से रन लगाने का फैसला किया बोर्ड पे, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस और यहां तक आकर